वेलकम टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम अभिनव किचन। आज हम बनाएंगे बेसन की कढ़ी, या इसे आप कढ़ी पकौड़ा भी बोल सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कढ़ी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। मैंने लिया है चने के बेसन एक कटोरी, दही आधी कटोरी, मस्टर्ड ऑयल, खड़ा जीरा, मेथी दाना, हींग, हल्दी पाउडर, खड़ी लाल मिर्च, नमक और करी पत्ता। आज की मेरी रेसिपी मैं अपनी मम्मी से बना रहा हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनाती हैं, तो मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमको पकौड़ी बनानी है, और उसके लिए हम पानी के साथ बेसन को फेंटेंगे। हमें बेसन को तब तक फेंटना है जब तक कि बेसन उठने न लगे, ये हल्का हो जाएगा। आप बेसन को जितना अच्छा फेंटेंगे पकौड़ियाँ आपकी उतनी सॉफ्ट बनेंगी। हम लगातार एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बेसन को फेंटेंगे। अब इसको हम पानी में जाके चेक कर रहे हैं कि उठ रहा है कि नहीं। देखिए ऊपर आ गया, मतलब ये अच्छे से फिट आ गया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, साथ में थोड़ी सी हल्दी और नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा पकौड़ी का बैटर रेडी हो गया है। अब इसको हम तलेंगे। हम अपनी पकौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन कर ली है और कढ़ाई रख ली है, और इसमें तेल डाल के इसे गर्म होने के लिए रख लिया है। और जब हम तेल गर्म हो जाएगा तो हम पकौड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। हो गया है, अब हम पकौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो किसी भी साइज़ की पकौड़ी बना सकते हैं, पर हम यहाँ मीडियम साइज़ की बना रहे हैं। इसे हम पलटे साइज़ से पलट लेंगे। इसे हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का करना है। हो गई हैं, अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी पकौड़ी बना लेंगे अपनी। तो मेरी सारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब हम कढ़ी की ग्रेवी बनाएंगे। तो मैंने कढ़ी की ग्रेवी बनाने के लिए सेम बाउल में 3/4 कटोरी बेसन और लिया है। अब इसमें हम दही डालेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी
अब इसे अच्छी तरह से फेटेंगे इससे भी। इसका भी हम इस स्मूथ बैटर बनाएंगे। बेसन के साथ दही फेटने से कड़ी दही फटती नहीं है और कड़ी बहुत अच्छी बनती है। इसमें हम पानी डालेंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये पकने के बाद अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है। ये इतना पतला रहना चाहिए, देखिए पानी की तरह। हम कढ़ी की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन कर ली है और जितना एक्सेस ऑयल था उसे निकाल लिया है। अब इसमें हम हींग डालेंगे, साथ में जीरा, मेथी दाना, और करी पत्ता। साथ में खड़ी लाल मिर्च और अब बैटर डाल देंगे। गैस की फ्लेम हाई करके इसे लगातार चलाएंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हम लगातार चलाएंगे। इसे हमें लगातार चलाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसे हमें लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। इसे मीडियम फ्लेम ही मिक्स करेंगे। अब हमारी ग्रेवी हो गई है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक बॉयल आ गया है। मैंने इसे लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक मिक्स किया है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। साथ में पकौड़ी इसे लगातार चला के मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम हाई करके इसे हम दो तीन बॉयल और देके बंद कर लेंगे। अब ये हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और ठंडा हो जाएगा तो इसको हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बन के तैयार है मेरी बेसन की कढ़ी। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, देसी घी और कश्मीरी लाल मिर्च का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।